मिट गए सिंदूर किसी, माताओं की गोद हुई सोनी, बच्चों की भी नहीं सोचते ये निर्दयी खून। वो लोग जिन्होंने जान अपनी वारी है, दुश्मन की औकात नहीं ये अपनों की गद्दारी है। वो लोग जो माता रानी की भक्ति करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ दर्शन के लिए जा रहे थे, वो लोग जिन्हें भनक भी नहीं थी कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है, आगे किस मंजर से उन्हें गुजरना पड़ेगा, वो लोग जिनके घर वाले इस आस में इंतजार कर रहे थे कि माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गए उनके परिजन उनके लिए माता का प्रसाद और आशीर्वाद लेकर आएंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आशीर्वाद के रूप में उनकी लाशें वापस आएगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के रियासी शिवखोड़ी से कटरा लौट रहे श्रद्धालुओं की बस पर हुए हमले, जिनमें जयपुर के चोमू व हरमड़ा में रहने वाले 2 वर्षीय बालक समेत 4 जनों की मौत हो गई और आज उनके मृत शवों को जयपुर लाया गया। परिजनों के लिए कैसा होगा वो मंजर आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। शवों के आने के बाद पूर्व विधायक रामलाल शर्मा ने मृतक के परिजनों के बात कर उन्हें ढांढस बनाया और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से फोन पर बात कर मामले की पूरी जानकारी दी। इधर घटना को लेकर स्थानीय लोगों में रोष व्यक्त है, लोगों ने सरकार से आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। मेरा नाम सुशील है और मैं यहीं का निवासी हूं और जो मेरे चाचा जी है पार्षद हैं वार्ड नंबर 5 से, और जो मेरे चाचा जी हैं परिवार में और जो छोटे भाई हैं वो मेरे कजन भाई हैं, और जो ये घटना हुई है शिवखेड़ी में श्रीनगर में, तो इसको बहुत ही निंदनीय मानता हूं और मैं केंद्र सरकार राज्य सरकार गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से निवेदन करूंगा कि जो परिवार उजड़ गए उनका कोई सलूशन ढूंढ के दे और जो 3 बच्चे हैं उनके उनको गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए, नहीं तो जन आक्रोश हो रहा है और भयंकर वाला होने वाला है। क्योंकि जो परिवार उजड़ गए, तीनों नाबालिग अभी 11th class में और अभी 1st year कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन चल रही है और बच्ची बहुत छोटी है, पीछे संभालने वाला सुध लेने वाला कोई है नहीं। तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा और जो हमारे चोमू के MLA हैं, से अभी मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है, ना ग्रामीण को कोई बातचीत हुई है, हम प्रशासन से भी बात करेंगे कैसे क्या मामला हुआ है और पूरे मामले की जांच होनी चाहिए किस प्रकार ये हुआ है, क्यों हुआ है, कब हुआ है, किस तरीके, और हम जब तक लिखित में नहीं लेंगे कि इन बच्चों को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी या इनको कोई सहारा नहीं मिलेगा तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं है, ना डेड बॉडी लेने वाले हैं और ना मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाले हैं। हम चाहते हैं कि जो बच्चे हैं नाबालिग का तीनों उनको आर्थिक अनुदान प्लस गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए, और जो आतंकवाद है उसके खिलाफ हम बहुत बड़ी रैली निकालने वाले हैं कल, इसके जन आक्रोश निकालने वाले हैं, जो निकलेगा चोमू नगर पालिका, चोमू नगर पर से जो कन्वर्ट हो गया अब उसके सामने से सीधा जयपुर तक निकलेगा,